तो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं पवन भैया के घर। रात को इस वाले कमरे में स्टे किया था। काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा और मस्त वेदर है। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ भैया के घर से, कहाँ से क्या, मतलब इतना ब्यूटीफुल जगह पर भैया का घर है। ऑल दोस्त, मतलब यहाँ पर आना बहुत कठिन है, पर जब यहाँ पर आप आओगे ना तो भाई अलग ही फीलिंग होगी। जंजैली विलेज से भी भैया का घर 4 घंटे दूर है। तो अभी आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ, कितना अमेजिंग है। तो ये सारी लकड़ी की सीढ़ियां, और ये पूरा जो घर है लकड़ी का है और लकड़ी की सीढ़ियां हैं। तो इस दर से उतरा जाएगा। ओए होए, ओए होए, बिल्कुल बच के उतरना बड़ा सीधी है। और ये पूरी जो आपको जो पहाड़ियां दिख रही है ना, ऐसी एक पहाड़ी में भैया का घर है और इसके नीचे किसी का घर ही नहीं है। और सारी चारों तरफ जो जंगल है, और जंगल में भैया ने घर बनाया है। ये भैया का घर है। अभी लड़ियां लुड़िया लग जाएंगी रात को तो प्रॉपर दिखेगा। और ये रहे सेब, हमारे हिमाचली एप्पल। ये पूरा आगे तक भैया का बाग है यहाँ पर। और नीचे पवन भैया लगे हैं टेंट टूंट लगाने, अपनी शादी का टेंट लगा रहे हैं आज। ये बोल रहे दूल्हा अपनी शादी में नाचता है, दूल्हा अपनी शादी का टेंट भी खुद ही लगाता है। तो ये है इधर किचन, और एक रूम हो रहा है। अभी सारे खाने बैठ गए, क्या हो गए शुरू भैया? एक शिकारी बैठा रखा बाहर, पैर आ रहा है। कितने शिकारी बैठा रखे अंदर? अरे सिक्योरिटी गार्ड है। कितने सिक्योरिटी गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड। कोई नहीं, बैठ जाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, आलू की सब्जी बनाई भैया? आलू की सब्जी पवन ने बनाई है। पवन भैया तो फिर सैप है खतरनाक हमारे। ये पवन भैया के बड़े भाई है। थोड़ी डालना मेरे को भैया। ये है घर की देसी चप्पल जो घर में डाल के घूमते हैं। ये उसकी जूट की बनी हुई है। ये लो जी, आज है राजमा। भी रोटी खाई है वैसे, अब दोबारा खाने को बोला, दोबारा खा लो। और ये है विपन दीवान, विपन दीवान की विपन ठाकुर, विपन ठाकुर। तो अब यहाँ खाएंगे, अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है। टाइम हो गया है 10:34। तो ये अब चले हम सेबों के बाग में, और ऊपर तक भैया के सारे सेबों के बाग हैं ये। और एप्पल यहाँ पर लगा भी हुआ है, छोटे छोटे लगे, अभी कच्चे हैं, अगस्त में जाके पकेंगे ये, भैया बोल रहे थे ऐसा। और ऐसी पगडंडी वाला रास्ता है सारा, और ये लगे हुए सेब। मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे सेबों के पेड़ को देख रहा हूँ। और ये मेरी मेहंदी देख लो, कल भैया की मेहंदी थी तो वहाँ मेहंदी लगा दी मेरे को। ये तो सेब है, एप्पल है। दो, आज तो भैया का है तेल सान प्रोग्राम है यहाँ पर। लाड़े को कुछ वो तेल तो लगाते हैं शादी में, तो आज वाला प्रोग्राम है यहाँ पर। शाम को डीजे वगैरह सब कुछ होगा, और हम ब्लॉग में शूट करेंगे, चीज़ें भी डालेंगे। बाकी जो पवन भैया के दोस्त पवन भैया की शादी में नहीं पहुँच पाए किसी वजह से, तो वो हमारा ब्लॉग देख सकते हैं, उनके लिए हम डाल देंगे। बाकी आगे तो शायद जंगली है, तो सारी दूर दूर जगहों में भैया के घर हैं। और भी ये पूरी एक जो जगह है ना, एक हिल है, उसको यहाँ पर धार बोलते हैं। तो बोलते हैं एक ये धार है, एक उरली धार है, एक परली धार है, ऐसे करके नाम यहाँ पर रखे हुए हैं इस चीज़ के, धार। और बाकी ठंडी हवा यहाँ पर आ रही है, फ्रेश एयर है, कोई पोल्यूशन नहीं है, शांति पूरी एकदम। अगर जो भी ट्रैवल करने अगर यहाँ पर आना चाहते हैं ना, तो जंजैली जैसे विलेज में आओ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। धर्मशाला वगैरह में तो हमारा चलो थोड़ा बहुत क्राउड जो है बढ़ चुका है, पर इधर जो है ना आपको कंप्लीट नेचर की एक फीलिंग मिलेगी और पूरी शांति मिलेगी। और यहाँ पर लोग कैसे सर्वाइव करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर भैया के यहाँ पर पानी निकलता है साफ, तो उस साइड में जो गाँव है उस साइड से लोग इतनी दूर यहाँ पर पानी भरने आते हैं, सिर्फ पीने का पानी भरने आते हैं। तो जो विलेज की लाइफ है ना, जो गांव की ज़िंदगी है, वो बहुत कठिन है। हमारी धर्मशाला में जो है लाइफ थोड़ी इजी हो चुकी है, क्योंकि वो थोड़ा सिटी एरिया है,
तो वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर ना ही कोई हॉस्पिटल है और दुकानें भी यहाँ पर बहुत गिनी चुनी, वो भी थोड़ा बाजार वाली साइड में बहुत दूर है। तो यहाँ पर लोग कैसे आते हैं जाते हैं, और उनकी जो फिज़िकली हेल्थ है वो पूरी स्ट्रांग रहती है, और हम जैसे बंदों की बिल्कुल भी नहीं जो गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी में आते हैं। तो यहाँ का लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है। आप भी ट्राई करना ऐसी चीज़ें, बाकी अपने व्लॉग्स में तो मैं आपको दिखाई दूंगा। अभी दो दिन और यहाँ, दो या तीन दिन और हम यहाँ पर हैं, देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। डेंजरस रास्ते में पर ये कि हम नई चीज तो देख पाएंगे ऐसे। ये तो हमने कहाँ जाना है ऐसे जंगलों में, कहीं घर पे आपने तो कहाँ देखा होगा। मम्मी बेशक शुरू से ही पहाड़ों में रही है, मतलब धर्मशाला में रहे हैं, पर ऐसी जगह तो आप पहली बार ही आए हो ना, है ना? नहीं, यहाँ पर तो पहली बार ही आए हो ना ऐसी जगह में। ऐसी ये चीज देखने लायक है ना, हमने कभी लाइफ में ऐसी चीज देखी नहीं है। गाँव की जिंदगी कैसे होती है आपने तो चलो देखी होगी, पर हमने नहीं देखी, नहीं देखा है। ऐसे वाला मम्मी ने भी नहीं देखा, ऐसे वाला मम्मी ने भी कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर होते हैं, अगर आप यहाँ पर होते आप कैसे दूर दूर से पानी भरने आया होता, तो आपकी तो फिर पेट कम हो गया होता। पेट कम के ऐसे आदत हो जाती, आदत हो जाती है। और बाकी मेरी कोई भी बहन तो भरा हुआ, पर हमसे गाँव का काम नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर हम यहाँ पर रहते ना, अगर दो तीन महीने हम यहाँ पर रहने लग जाए, हमसे गांव के जो काम है ना वो नहीं हो पाएंगे। जैसे पूरा दिन लग जाता है भैया को भी, कभी सेबों का देखना, कभी ये घास काटना, गाय को देखना, घर का काम करना, मतलब पूरा दिन आपका बिजी रहता है अगर आप ऐसी जगह में रहना आते हैं। ये देखो क्यूट क्यूट सेब लगे हुए हैं यहाँ पर, काफी ज्यादा क्यूट, लाल लाल। मम्मी पक गए होंगे ये, ट्राई करें एक खा के देख लेते हैं, कच्चा होगा पक्का होगा। ऐसे सारे लाल लाल से थोड़े थोड़े बिल्कुल रेड रेड है ना, तो कोई ढंग का देखता हूँ उसको तोड़ के ट्राई करते हैं। ये वाला ठीक लग रहा है, ये टूट ही गया लो। तो मैंने एक सेब तो ये तोड़ लिया है, एप्पल, हमारा हिमाचल का एप्पल। तो अभी जा कहाँ रहे भैया, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? चिपलांदी। अभी हम जा रहे हैं ट्रैवल करने चिपलांदी। तो भैया पवन भैया ने बोला कि तुम्हें दोस्त दे देता हूँ अपने साथ में, एक भैया का भाई है और एक भैया के साथ आईटीआई करते थे, और ये चले भैया। तो कहाँ ये दिखाओ, ये देखो मोर पंख, यहाँ पर मोर भी हैं, अभी देखेगा अभी देखेगा। अरे आजा हाथ में भाई, यहाँ पर ये देखो, और यहाँ ऐसा रोड है कि यहाँ पर गाड़ी नहीं चढ़ रही है, हमें उतरना पड़ गया, पर उतरना भी पड़ेगा भाई। और सारा रास्ता जो है ये ऑफ रोड है यहाँ पर। मम्मी जल्दी जल्दी आओ, और गाड़ी चढ़ाना भाई, यहाँ गाड़ी चलाना ही बड़ा एक बड़ा टास्क है। बाकी यहाँ पर जो बाहर से लोग आएंगे भाई, वो यहाँ पर गाड़ी नहीं चला पाएंगे, मेरी गारंटी है ये, क्योंकि यहाँ इतने शार्प मोड़ है और ऑफ रोड रास्ता है, और ना कोई बैरिकेटिंग यहाँ पर लगी हुई कि गाड़ी बचेगी। अगर किसी जो नोए नोखा सिखा ड्राइवर होगा तो अगर वो यहाँ से लाया तो भाई नहीं मिलने वाला कुछ भी उसका, था पता नहीं लगेगा। हम भैया गाड़ी लेके आएंगे, देखना वहाँ से पिछड़ जा पिछड़ जाओ, कितनी मिट्टी उड़ी है देखो फोन में भी सारी। यहाँ पर ही हो जाएगा, फाइनली चिपलांदी पहुंच चुके हैं, और चिपलांदी की सबसे टॉप वाली हाइट पर अभी हम आ चुके हैं, इसकी पहाड़ी की जो टॉप है वहाँ आ चुके हैं। और ये है हमारे भैया, ये किस चीज का पेड़ है यार, मैं नाम भूल गया, ये किस चीज के पेड़ है? द्यार, देवदार है, हाँ देवदार यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। तो ये है देवदार के पेड़, यहाँ पर जितने भी पेड़ देख रहे हो ये देवदार के पेड़ है, और ये वाले जो पेड़ है आपको सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आया था हंसराज रघुवंशी, जिसने हमारा कौन सा गाना गाया, वो शिव समारे मुझ में, ऐसे गाने गाए हैं। बाकी वो भोला है भंडारी कुछ ऐसे भी उन्होंने गाना गाया था,
जितने भी हमारे जो नाग है ना, हाँ, जो भी हमारे नाग देवता है सब जो है हमारी चोटी पे ही है। हाँ। नाग पतंग यहाँ है। अच्छा, उधर सामने है चोटी देखो पार। हाँ। ऊपर वो ठीक ऊपर यहाँ नाग चौसी है। अच्छा, नाग है 18 नाग। फाइनली अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं और ठीक पहाड़ी के ऊपर ही है और वहां नीचे स्कूल है जहां पर हमारे दीप भैया पढ़ने आया करते थे इतनी दूर। और खूबसूरत वैली के जो मंदिर है, हाँ ये है नाग चिपलांदू है मम्मा, चिपलांदू लिखा नहीं है भैया को नहीं पता होगा। अच्छा, ये लिखा हुआ घंटी पे जय नाग चिपलांदू। हाँ, की जय। ठीक है ठीक है, तो ये है मंदिर खूबसूरत वैली में। हाँ, वो सामने स्कूल है और नीचे मिडिल स्कूल है। अच्छा, इतनी ऊपर पे स्कूल बनाया हुआ है। पवन भी अभी है? पवन भी है तो नहीं पर वो इधर ही पढ़े। अच्छा अच्छा, इसी स्कूल में है। प्राइमरी स्कूल का यहां हुआ, मिडिल का वहां, मिडिल का नीचे हुआ। अच्छा अच्छा, अच्छा इतनी टॉप पे जाके ये स्कूल है। जैसे ये पहाड़ी दिख रही है आपको, इन पहाड़ियों के टॉप पे अभी हम हैं और टॉप पे ये स्कूल बनाया गया है। कमाल है, है वहाँ। अच्छा, मेरे को अभी इस पत्ते नहीं बाकी, तो इसको इस पर चढ़ना नहीं, चप्पल नहीं लगा बाकी, चढ़ो उसको चक्कर में। अच्छा, क्यों उसमें ऐसा क्या है? वो पढ़ते हैं हमारे पिताजी, बात है क्या पढ़ते हैं मतलब मतलब देवता ऐसे अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। अच्छा, जो यहाँ पर आपके उधर जाते से महादेव को लेके जाते हैं वो पालकी में, पालकी वाले। ठीक ठीक ठीक, अच्छा वो अच्छा यहाँ बैठते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर बैठाते हैं। अच्छा, ऐसा सिस्टम है। देवता जी का मंदिर देख लिया आपने और ये खूबसूरत वैली हमने अपनी रील्स में डाली है। आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, करण चौधरी 420 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। जाइए वहां पर फॉलो कीजिए, जाके देखिए हमारी रील्स। अगर अच्छी लगती हैं तो उनको अपने स्टोरीज में शेयर कीजिए उस रील्स को। हम भी यहाँ की एक्सप्लोरिंग लाइफ जी रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं जगहों को। बाकी मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? कल मुझे मेहंदी लगा दी है, वैसे मैंने बता दी ये चीज़ पर, दोबारा बता रहा हूँ पता नहीं क्यों, पर मज़ा आ रहा है। और इस जगह पर ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ना, तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से, इतनी खूबसूरत जगह है ये। आपको भी इस जगह से प्यार हो जाएगा अगर आप यहाँ पर आओगे ना। वैसे तो आपको वीडियो देख के भी प्यार होने वाला है, पर ऑल दोस्त आप इस जगह को देखोगे जब आओगे, अगर आप बाई चांस कभी आप आते हो यहाँ पर, आपको मौका लगता है तो आप आना, तो भाई ये वैलीज देख के ही आपका जो है ना इनसे प्यार हो जाएगा, आपको मोहब्बत। अच्छा, तो अभी चल रहा है इस एरिया में फोटो शूट, काफी अच्छा है एरिया, मजा आ रहा है एकदम, इतना मजा आज तक हमें कहीं जाने में नहीं आया जितना यहाँ पर एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है मेरे को। मेरी लाइफ का अभी तक का ये वाला जो ट्रिप है सबसे अच्छा यही जा रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे इस जगह पर आकर, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको भी ब्लॉग देख के मज़ा आ रहा होगा यार। ये वहाँ नीचे ये रही और ये बिल्कुल ही साइड में नीचे, अगर गलती से आपका पैर फिसला सो गाइस आप देख सकते हो कितनी हाइट पर हैं हम अभी, और ठंडी हवा चल रही है और पूरा वो हेलीपैड है ना ये वाला। अच्छा, यहाँ है देवता का मंदिर, ये है जोगनी माता। अच्छा, तो ये है
जोगनी माता उई 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 चुभ रहा यार ये चुभ रहे हैं ये देवदार के जो है ना ये वाले ये चीज ये सूख के जो हो जाती है चुभ रही है यार ये तो बड़ी नहीं जाया जाएगा। तो अभी इस समय हम मस्त टॉप पर हैं, हवाएं सुन सकते हो आवाज आप, आवाज आपको हवा की आ रही होगी ज्यादा। वो बड़ा फील मैन, बड़ा फील, बाल देख सकते हो कैसे लहरा रहे हैं सारी हवा की वजह से है। और तो अभी इस ब्लॉग को करने पड़ेगा यहीं पर ही समाप्त। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को कर देना लाइक, लाइक करके जाना भाई, बिना लाइक करे जाना ही मत। इस जगह को लाइक कर वर्थ इट बना दो इस जगह को, और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ शेयर करनी है कर दो, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह सब पे डाल दो यार ये वीडियोस। ये वीडियो जो है खतरनाक वायरल कर दो आप, आपको ये जगह कोई भी नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर तक मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर आज तक कोई शायद ब्लॉगर यहाँ पर आया भी नहीं होगा, हम पहुँचे हैं। तो इस जगह को वर्थ इट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर लो जो भी आप इस जगह के बारे में आपको पूछना है या पता करना है, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। यहाँ पर वैसे नेटवर्क तो आ रहा है और नेट चल रहा है, तो कोशिश करूँगा कि आपको हर कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, HP39 Vlogs। ये व्लॉग जो हैं आपको अब कंटिन्यूसली 2-4 दिन के लिए यही व्लॉग्स मिलेंगे, कंप्लीट यहाँ की लाइफ दिखाने की कोशिश करूँगा, जो भी यहाँ पर लोग कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे रहते हैं पहाड़ों में, इतने खतरनाक पहाड़ों में। तो इस पहाड़ों को मैं अच्छी तरह एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। सब्सक्राइब कर लो यार बस, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, बाय।